प्रयागराज की धरती पर होली के अवसर पर एक परंपरा है। यह परंपरा होली हथौड़ा बारात के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। इस होली का उद्देश्य है होली वही जो स्वाधीनता की आन बन जाए, वही जो गणतंत्र की शान बन जाए। भरो पिचकारियों में पानी ऐसे कि तीन रंगों का जो कपड़ों पर गिरे तो हिंदुस्तान बन जाए। इस होली का खास उद्देश्य है कि अपने में भाईचारा बनाए रखना। ये प्रयाग की पावन धरती है और आज होली का माहौल प्रारंभ हो गया है। हथौड़ा बाद विगत कई वर्षों से निकलता चला रहा है और जिस तरह से आपसी भाईचारा और सद्भाव बनाने के लिए हथौड़ा बारात निकलता है, इस बार का हथौड़ा बारात जिस तरह से पाकिस्तान अपने देश के ऊपर आक्रमण कर रहा है, आज इस हथौड़े के जरिए जो बारात यहां से निकलेगी वो एक एक आतंकवादियों का सर कुचर के हथौड़ा बारात यहां से उठेगी, जिससे कि पूरे भारत से आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। ये एक हथौड़ा बारात जो शुरुआती यहाँ से भई है और इसी से होली की शुरुआत हो जाती है और सभी अपने रंग बिरंगे और सद्भाव आपसी प्रेम भाईचारा जो भी लोगों के अंदर मन मुटाव है उसका दूर इसी हथौड़ा के बारात से। जब कद्दू का मंथन हथौड़ा से किया जाएगा तो शरीर के अंदर लोगों के मन के अंदर जितने भी मन मुटाव हैं आपसी रंजीश है वो दूर हो जाएगा। यही एक होली का त्यौहार है और ये रंग बिरंगी होली आज से इस प्रयाग की पावन भूमि में एक लोगों के अंदर प्रवेश करती है, शुरुआत हो रही है। राजेंद्र कुमार तिवारी, दुकान जी।